जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत को लेकर झारखंड खासकर कोयलांचल एक बार फिर चर्चा में है। न्यायाधीश की मौत हादसा है या सुनियोजित हत्या, ये सवाल अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन कोयलांचल में खूनी खेल को लेकर एक बार फिर न्यायपालिका तक खेल गई है। कोयलांचल में अपराध की कथा एक से एक खौफनाक घटनाओं से भरी पड़ी है। कोयला नगरी धनबाद में आज भी इतिहास की घटनाएं अपना अस्तित्व बताने के लिए समय समय पर आ जाती हैं। कोयला नगरी धनबाद में आज भी इतिहास की घटनाएं अपना अस्तित्व बताने के लिए सतह पर आ जाती हैं। और जब भी जिक्र होगा धनबाद का तो उसके साथ ही जिक्र होगा वासेपुर का भी। जी हाँ, वासेपुर जो अपनी भौगोलिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए कभी बंगाल की सीमा में था तो अब झारखंड में है। तो चलिए आपको ले चलते हैं धनबाद की यात्रा पर, जिसमें वर्चस्व, सियासी हुकूमत और परंपरागत तरीके से उभरे गैंग वॉर के किस्से और कहानियां शामिल हैं। साल था 1939 का, जगह उत्तर प्रदेश का जिला बलिया, जहां चांदी प्रसाद सिंह और नजरो देवी के गरीब और बेहद सामान्य परिवार में जन्म होता है एक बच्चे का, और साथ ही जन्म लेती हैं उसकी तमाम असामान्य महत्वाकांक्षाएं। गरीबी और बेरोजगारी उसको बलिया से ला भेजती है तब के बिहार और आज के झारखंड के धनबाद में, जहां वो एक मामूली मजदूर की तरह कोयले की खदान में काम करने लगता है। शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो शख्स जो कोयले की खदान में मजदूरी कर रहा है उसी कोयले की खदान से हीरा बनकर निकलेगा और मालिक बन बैठेगा देश की कोल कैपिटल कहे जाने वाले धनबाद का। एक किस्सा है इसी शख्स का, जब उसका एकाएक सामना होता है धनबाद के पहले कोल माफिया के नाम से मशहूर बीपी सिन्हा से। वही बीपी सिन्हा जिसके एक इशारे पर दिल्ली सल्तनत की नींव हिल जाया करती थी। सिन्हा सूर्यदेव सिंह को देखते हैं, निहारते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या पहलवान बनोगे। ये सवाल सूर्यदेव सिंह की जिंदगी का दूसरा अहम टर्निंग पॉइंट था। पहला तो शायद धनबाद आना ही रहा होगा, इस सवाल का जवाब ना हो ऐसा नहीं हो सकता था। फिर क्या था, मजदूर से बना पहलवान वो शख्स अपनी पहली सीढ़ी चढ़ चुका था। दरअसल ये पहलवान कुश्ती करने के लिए नहीं बल्कि कोयले की खदान में मजदूरों से अधिक काम निकलवाने के लिए रखे जाते थे। उस वक्त सरकारों का कोयला की खदानों पर नियंत्रण शून्य हुआ करता था और सिर्फ तानाशाही हुआ करती थी। सूर्यदेव सिंह ने कुछ ही समय में अपनी पहचान पहलवान के रूप में स्थापित कर ली और जल्द ही वह बीपी सिन्हा के करीबियों में शुमार हो गए। पर महत्वाकांक्षाओं की सीमा का आकलन नहीं किया जा सकता है और ये उस वक्त शायद बीपी सिन्हा नहीं समझ पाए थे। और नतीजतन ऐसा माना जाता है कि एक दिन सूर्यदेव सिंह ने अपने साथी रघुनाथ के साथ मिलकर बीपी सिन्हा की हत्या कर दी। यहां से आता है सूर्यदेव सिंह की जिंदगी का तीसरा अहम पड़ाव, जहां उनको मिलती है बीपी सिन्हा की बनी कोयलांचल की सत्ता और जिस पर वो काबिज हो जाते हैं। अब साल आता है 1977 का। इस वर्ष तक सूर्यदेव सिंह कथित तौर पर धनबाद के कोल माफिया और ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। इसी के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक नींव भी मजबूत कर ली। पहली बार इसी वर्ष झारिया विधानसभा से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 18,500 से ज्यादा मत हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई से खड़े शिव कुमार राय को पटखनी देते हैं। और 1977 से शुरू हुआ जीत का यह सिलसिला जारी रहता है 1991 तक। झारिया राजनीतिक रूप से अब सूर्यदेव सिंह का अभेद किला बन चुका था और यहीं से नींव पड़ती है बहुचर्चित सिंह मैंशन की। सिंह मैंशन यानी सूर्यदेव सिंह का घर, जहां रहकर उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण किया। ये वही सिंह मैंशन है जिसके तार दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय तक जुड़ते थे और माना जाता है कि सूर्यदेव सिंह की एक छींक पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर संसद की कार्रवाई छोड़कर धनबाद का रुख कर लेते थे। ये दोनों विशाल व्यक्तित्व के लोग बलिया जिले से ही आते थे, शायद ये भी एक कारण रहा होगा इतनी गहरी दोस्ती का। चंद्रशेखर और सूर्यदेव सिंह की दोस्ती का एक किस्सा ये भी है कि चंद्रशेखर अपनी राजनीतिक की थकान
कि चंद्रशेखर अपनी राजनीति की थकान उतारने अपने दोस्त सूर्यदेव सिंह के पास सिंह मैंशन चले आते थे। दोस्ती इतनी निराली होगी कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि 1991 में चंद्रशेखर के इस्तीफे के मात्र 3 महीने बाद उनका दोस्त अपनी आंखें मूंद लेगा। जी हाँ, हत्या हो जाती है सूर्यदेव सिंह की 1991 में। यह था सूर्यदेव सिंह की निजी जिंदगी का आखिरी पड़ाव। सूर्यदेव सिंह के वर्चस्व का एक और कारण माना जाता है, वो ये कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वालों पे अपनी पकड़। धनबाद में उन दिनों एक कहावत बड़ी मशहूर थी, उनके ऐसे ही अपराध से ताल्लुक रखने वाले साथी को लेकर, वो ये थी सूर्यदेव सिंह की बोली और रघुनाथ की गोली। यानी सूर्यदेव सिंह के एक इशारे पर रघुनाथ ने कई दिग्गज हस्तियों को मौत के घाट उतार दिया। ये वही रघुनाथ सिंह है जिसका सिक्का चलता था पूरे धनबाद और समूचे प्रांत में। यहां तक कि सूर्यदेव सिंह के भाई रामाधीर सिंह, साथ ही बच्चा सिंह का भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे रघुनाथ को कुछ टोक सके। रघुनाथ जैसा शूटर शायद कोयलांचल में नहीं हुआ था। रघुनाथ की कार का नंबर भी 302 हुआ करता था। उस पर लगभग 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोप लगा और यही वजह रही होगी कि लोग रघुनाथ को सूर्यदेव सिंह की ढाल बोलते थे। और ये ढाल सूर्यदेव के ना रहने के बाद भी सिंह मैंशन के लिए हमेशा खड़े हैं। कहानी को जरा मोड़ते हैं धनबाद के भाई वासेपुर की ओर और बताते हैं एक किस्सा। किस्सा यूं है कि वासेपुर के कुछ लोग बैनर्जी परिवार की एक लड़की को अगवा कर लेते हैं और दुखियारा परिवार पुलिस के पास ना जा करके सिंह मैंशन पहुंचता है और न्याय की गुहार लगाता है। इसके बाद निकलता है वासेपुर में सूर्यदेव सिंह का फरमान और उनके साथ होते हैं रघुनाथ। और फरमान ये होता है कि 24 घंटे में अगर लड़की वापस घर नहीं पहुंची तो वासेपुर को राख कर देंगे। 12 घंटों के भीतर ही लड़की सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। क्या आपको ये कहानी सुनी सुनाई तो नहीं लग रही? गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन लग रहा होगा शायद। जी हाँ, अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म की पटकथा भी सूर्यदेव सिंह की जिंदगी और धनबाद, साथ ही वासेपुर में चले गैंग वॉर को दर्शाती है, जिसमें मुख्य रूप से मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय किया है। निर्माता अनुराग कश्यप को फिल्म में दर्शाए गए कुछ सीन्स का स्पष्टीकरण देने सिंह मैंशन की चौखट पर भी आना पड़ा था। सूर्यदेव की मौत के बाद राजीव रंजन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चले, पर अभिमन्यु की तरह उनको भी ईर्ष्या, शत्रुता और चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था और एक रोज कोलकाता में उनकी हत्या कर दी जाती है। आनंद बख्शी ने फिल्म अमर प्रेम में गीत लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियां है कि हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। अपने प्रतिद्वंदियों की हत्या के आरोप झेलता सिंह मैंशन आज अपने ही घर में अपराधी खोज रहा है। सूर्यदेव सिंह के भतीजे नीरज सिंह की हत्या के आरोप में सूर्यदेव सिंह के ही बेटे संजय सिंह के ऊपर आया, जिसमें वो जेल भी गए पर 2017 में उन्हें जमानत मिल गई। सूर्यदेव सिंह के परिवार में उनके भाई के बेटे को मिलाकर कुल 9 बेटे थे, जिनमें से राजीव रंजन, नीरज सिंह और सिद्धार्थ गौतम की हत्याएं हो चुकी। वर्तमान स्थिति में सिंह मैंशन का वर्चस्व अब उतना प्रभावी नहीं रह गया है। कोयला व्यवसायी संजय सिंह, प्रमोद सिंह, राजद नेता राजू यादव, कोल किंग सुरेश सिंह और अब नीरज सिंह की हत्या का दंश सिंह मैंशन की नींव को खोखला कर चुका है। पर शायद अभी सूर्यदेव सिंह की बिछाई विसात इतनी कमजोर नहीं हुई है। शायद तभी संजय सिंह जेल में रहकर चुनाव जीत जाते हैं और 1977 से 2017 के विधानसभा चुनाव तक सूर्यदेव सिंह के परिवारजनों के अलावा कोई भी छारिया से चुनाव नहीं जीत सका। यह थी धनबाद की कहानी, जो कोल कैपिटल का तमगा हासिल कर कैसे देखती है वर्चस्व की उथल पुथल। मिलते हैं फिर से किसी एक अनकहे किस्से के एपिसोड में। तब तक देखते रहिए beforeprint.in। मैं हूं मणिकांत मिश्रा, देखते रहिए beforeprint.in।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।